धन सब कुछ लुटा दिया। आभार तुम्हारी इस मैत्री का। आप जेतवन पधारेंगे ना बुद्ध? अवश्य, मैं जेतवन अवश्य पधारूंगा। अभी आप अपने आश्रम में जा विश्राम कीजिए, हमें भिक्षाटन के लिए जाना है। सुना था तुम परम ज्ञानी हो बुद्ध, जान के आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुपता है। अब तो गली गली ये बात ना उठेगी कि तुम तो कोई पहुंचे हुए महात्मा हो। ये कांटे हमने बिछाए हैं, इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं। हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं। चलो चलो, दूसरे गांव का रास्ता लो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दें। ठीक है, भिक्षा चाहिए तो दे अपने रक्त की आहुति। रास्ता बुहारा तो इस गांव से तेरा दाना पानी उड़ जाएगा। आप गांव में प्रवेश कीजिए, इन मुट्ठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। मुझे ना छू, नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे, आप सभी को संतोष मिलता है, तो ये उचित है। परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे, इसे नीचा कह, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए हैं। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति
भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इसे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं अछूत, आप जैसे महात्मा का भिक्षु मैं इस योग्य नहीं हूं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में। सारा जीवन किसी ने दया के दो शब्द ना कहे मुझसे और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं, पर जो मैं कर रहा हूं यह अधर्म तो नहीं? जो अधर्म आज तक हुआ वो अब नहीं होगा। हर मनुष्य में चेतना का द्वार है, बस उसे ही अपनी संभावना को पाना है, अपनी गरिमा पे पुनः लौटना है। मेरा मार्ग प्रेम का है, वहां सबका सत्कार है। गंगा, यमुना, ऐरावती, सरयू, माही, ये सब नदियां हैं और ये सब अंत में वह सागर में मिल जाती हैं।